तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला का कस्टम फॉर्मेटिंग वाला टॉपिक पे। कस्टम फॉर्मेटिंग मतलब कि हम नंबर कुछ और टाइप करें और वो विजुअल कुछ और हो। ऐसा क्यों? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी अमाउंट है, हेडिंग आपका अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप जो है लिखना चाहते हैं एमआरपी 50, समझ गए? बट एमआरपी 50 आपने लिख तो दिया, बट इस पे किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक रूल कहता है कि किसी भी नंबर के साथ अगर आपने टैक्स ऐड कर दिया, किसी भी तरह का टैक्स, तो फिर वो नंबर नहीं आता, टैक्स हो जाता है, और किसी भी टैक्स के ऊपर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब यहां पे है कि मैं यहां पे 500 लिखूं, बट वो सो हो एमआरपी 500, लेकिन वो रहे नंबर में, समझे? वो चेंज ना हो। पर किसी भी नंबर्स के आगे या पीछे आप प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उस सिलेक्टेड एरिया को आप सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें और चले जाएं फॉर्मेट सेल पे। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद आप कस्टम पे आएं और यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में अपना प्रीफिक्स या सफिक्स जो है डाल दें। प्रीफिक्स डालेंगे तो पहले डालें और उसके बाद जीरो या हैश दे दें, या आप सफिक्स डालते हैं तो पीछे डालिए, हैश के पीछे डालिए। तो यहां ऊपर देखिए दिख रहा होगा एमआरपी 500, ओके कीजिए यहां पे एमआरपी 500। अब जैसे नंबर लिखेंगे, लिखते ही एमआरपी ऐड हो जाएगी। अब यहां पे मैं आपको जीरो या हैश डालने के लिए बोला, ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर आप यहां पे सबसे पहले जान लीजिए, जैसे हमें कस्टम पे गए और हमने यहां पे डाल दी एमआरपी, एमआरपी डाल दी। अब एमआरपी डालने से क्या होगा कि यहां एक मिनट, मैंने इन्वर्टर कॉमा नहीं यूज किया, मैं इन्वर्टर कॉमा यूज करता हूं। इसमें आपके नंबर्स आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपका टेक्स्ट दिखेगा जो आपने डाला है। अब ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या करना होगा, हमें यहां पे इसके आगे या पीछे हैश का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैं हैश लगाऊंगा तो दिख जाएगा, या फिर जीरो भी लगा सकते हैं, तो जीरो लगाने से भी लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एक से ज्यादा हैश किया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 हैश कर लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप 2 जीरो लगा देते हैं तो अपना डिजिट मेंटेन करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा तो 0 5 कर देगा। इसका यूज हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने चेक नंबर लिखा हुआ है, तो चेक नंबर में आप ये लगा सकते हो कि आपका जो नंबर है, जो किसी ने नंबर चेक नंबर लिख दिया, उसमें 0 आगे नहीं लगाया हुआ है, मतलब कभी भी क्या होता है ना कि 00795 होता है, रेस्टिक डिजिट का होता है, कभी 3 डिजिट का हुआ तो आगे 3 जीरो लगा रहता है, तो 0 मेंटेन करना है। तो कस्टम पे जाकर अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 डाल देंगे तो वो 0 मेंटेन कर देगा, लेकिन सिर्फ प्रिंटिंग पर्पज से। ओरिजिनल में आपका वही होगा, जैसे यहाँ पे एमआरपी 500 है तो इससे विजुअल है एमआरपी 500, बट ओरिजिनल में ये सिर्फ 500 है। समझ में आया? गजेंद्र जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम या अपनी जो भी हो, आप चैट पे भी रिप्लाई कर सकते हैं, इसमें चैट की भी फैसिलिटी है, तो चैट पे भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास इतना समझ में आ गया आतिश जी? हेलो हेलो, हाँ यस सर, यस सर, मेरे को पता चला। आगे बढ़े। हाँ यस सर, इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं।
जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर लिखना है, तो क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे आप देखते होंगे कि फर्स्ट के डिजिट 4 होते हैं और लास्ट के डिजिट 4 होते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं यहां पे वो नंबर्स हम सिर्फ 8 डिजिट ही डालें, लेकिन बीच में एक्स एक्स करके आ जाए ताकि पता चले कि हाँ 16 डिजिट का नंबर है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हम आएंगे यहां पे, और यहां पे हम 4 हैश कर देते हैं, 1 2 3 4, और फिर एक्स 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 एक्स, फिर वापस एक्स 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 एक्स, और फिर वापस 1 2 3 4 4 हैश कर दिया। देखिए ठीक है, समझ में आया सर? यस सर। ये है हमारा इस तरह के एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 रुपये 50 पैसे लिखा हुआ है, तो इसको आप जो है इस तरह से शो कर सकते हो कस्टम में, 0 हैश, और यहाँ पे कर दीजिए रुपीज .00, और फिर कर दीजिए पैसे। पैसे में इन्वर्टर कॉमा देना पड़ेगा, पैसे मारिए, ये आपको दिख जाएगा। और तो एग्जाम्पल बताओ, तो आप लोग अकाउंट नंबर कुछ ऐसे नंबर लिखते होंगे जो कि 12 डिजिट से ज्यादा होंगे, ओके? 11 डिजिट तक आप लिखते हैं तो दिख जाता है, 12वां डिजिट जैसे करते हैं तो यहां पे आपका साइंटिफिक फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, ओके सर। अब यहां पे कैसे शो होगा? इंद्र जी देखिएगा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई डाउट होगा तो चैट पे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि आप लग रहा है आपने हेडफोन यूज नहीं किया हुआ है, यानी माइक की प्रॉब्लम है। तो यहां पे मुझे जस्ट एक हैश दे देना है, ओनली फॉर हैश। ओनली फॉर हैश देने से क्या हुआ, ये आपका नंबर दिख जाएगा, लेकिन जी आप नंबर देख रहे हैं, ये आपको सिर्फ दिखेगा कहां कब कितना नंबर, 15 डिजिट का। जैसे 12 ऑलरेडी कर रखे हैं, 13 14 15 कर दिया तो 15 तक दिख रहा है, 16वां डिजिट जैसे मैं डालूंगा वो 0 हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि आपकी जो सिस्टम बनी है वो बनी है मैथमेटिकल कैलकुलेशन 15 डिजिट तक ही करने का, 15 डिजिट से ऊपर की जो कैलकुलेशन है वो नहीं करती है। ठीक है, तो 15 डिजिट से ऊपर की जो कैलकुलेशन है वो आपका ये नहीं करेगी, इसलिए आप जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन 15 डिजिट से नीचे ही करें। ठीक है, ओके सर। आपको नंबर 16 डिजिट से ज्यादा डालना है तो सिंगल कोट लगा दें और 32,767 डिजिट तक का नंबर डाल सकते हैं, बट इस पे कैलकुलेशन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगला टॉपिक इसमें आता है, अब थोड़ा सा ये करते हैं, ऑफिस से रिलेटेड वर्क करते हैं। गजेंद्र जी ध्यान दीजिएगा, कि मैं यहां पे दिया पूजा और यहां पे मैं देता हूं नेम में, और नेम में डेट दे देता हूं, मान लीजिए
तरह से मान लीजिए बायोमेट्रिक डेटा है, ठीक है, पूरा जनवरी का बायोमेट्रिक डेटा आया है कि या फिर एक्सेस कार्ड होता है ना, आपने ऑफिस में गए हैं और एक्सेस कार्ड के जरिए आपने अपना डोर को ऑन किया है, तो उसी का डेटा है कि किसने कितना बार अपना डोर कार्ड यूज किया है डोर में। अब मुझे इसी के बिहाफ पे रिजल्ट ये देने हैं, अटेंडेंस प्रिंट आउट करके भेजने। इसमें जो जीरो है, जो जीरो है उसको मुझे करना है अब्सेंट, और नंबर है उसको करना है प्रेजेंट। मतलब जो जीरो है उस दिन कार्ड यूज नहीं किया, मतलब कि वो आया ही नहीं, ठीक है। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम कस्टम पे आएंगे, नंबर फॉर्मेटिंग के कस्टम पे, और यहां पे हम देंगे सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे हम देंगे पहले पी और फिर एक सेमी कॉलन और एक स्मॉल ब्लैंक छोड़ेंगे और यहां पे दे देंगे ए, ठीक है, एंड ओके करते हैं। अब ये ऐसा हुआ क्यों, इसकी कंसेप्ट को समझिए। क्या है कि हमने अभी बताया आपको कि आप इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिख देंगे तो आपको शो करेगा, जैसे मैंने नंबर की जगह पे वो जैसे आर लिख दिया तो आर की जगह पे पी शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमा में उसी चीज को यहां डाला हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां माइनस में कुछ देता हूं तो क्या हो रहा है, माइनस में अगर कुछ दे देता हूं तो यहां पे माइनस पी दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां कस्टम फॉर्मेटिंग में एक सेमी कॉलन के साथ मान लीजिए एल डाल दिया, अब माइनस पे पी नहीं दिखेगा, एल दिखेगा। अब यहां पे जीरो के लिए मैं जेड डालना चाहता हूं, तो यहां सेमी कॉलन में आप यहां पे जीरो के लिए जेड डाल दीजिए, तो आपका यहां पे अगर कोई जीरो डालेगा तो जेड आएगा। इसकी पोजीशन होती है कि पहला सेमी कॉलन से पहला सेमी कॉलन जो होता है वो होता है पॉजिटिव के लिए, दूसरा सेमी कॉलन होता है नेगेटिव के लिए, तीसरा सेमी कॉलन होता है जीरो के लिए, और चौथा सेमी कॉलन होता है टेक्स्ट के लिए, ओके। तो यही फायदा यहां पे मैंने इसको उठाया, और यहां फॉर्मेट सेल पे गया और यहां पे पी, और हमने बीच में कोई नेगेटिव वैल्यू तो थी नहीं, इसलिए हम यहां पे सेमी कॉलन को ब्लैंक छोड़ दिया, फिर यहां पे ए कर दिया जीरो के लिए। बनाया सर? यस सर। ये कोई डाउट इसमें? तो ऐसे ही बहुत यहाँ पे कोर्स एग्जांपल है इसका यूज कर सकते हैं, तो मैं इसका आर्टिकल आपको मैं भेज देता हूं, आप जो है उसको एक बार देख लीजिएगा। श्योर सर, ठीक है, क्योंकि आज लेट स्टार्ट हुई थी, क्योंकि 8:45 पे अर्ली क्लास है, तो आज मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूं।